गल नहीं, अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई बड़े चंगे बड़े बड़े चंगे चंगे टाइम के उत्ते मैनू वॉर्न करता। देखो आप किसानी की गल, क्योंकि अज मुद्दा किसानी का चलता, फिर मैं अंदर बोल के तुहाडे नाल पीपीएस की भी गल और अंदर ही खोलूँ इन्हां दे पोते। लास्ट पांच साल तो मैं कह रहा कि जो धरने लग रहे ने, जो ये किसानी मूवमेंट है, ये सिम्टम ने, इलाज नहीं है। जे किसानी कानून असी रद्द करा भी ले, करांगे, रद्द हो जाएंगे। अज भी सुसाइड चल रहे, भी ये गारंटी नहीं करता कि किसानी उठ खड़ूगी। तुम दस दौ जो मैं कह रहा वो सही है कि नहीं? आमदन घट रही है साहब, आमदन घट रही है, कर्जा वध रहा, पानी डाउन हो रहा, ते 20 साल तो चल रहे। देयरफॉर आई एम सेइंग के प्रोटेस्ट एंड फार्म सुसाइड्स आर सिम्टम्स ऑफ द ऑन गोइंग एग्रीकल्चर क्राइसिस। ये खतरे दी घंटिया ने कि लोग विश्वास खो चुके हैं। मैं पूछना चाहना, और मैं गल पार्टियां तो उत्ते उठ के कर रहे हैं, पंजाब दी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहना एग्रीकल्चर पॉलिसी स्टेट दी लास्ट 20 साल तो यह जी केड़ी पॉलिसी आई है जिन्हें किसानी दी प्रोडक्टिविटी नूं वधाउण दी गल कीती होवे? एक दस, पिछले 20 साल एक दस दो जिहड़ी किसानी दी प्रोडक्टिविटी नूं वधाउंदी होवे, एक दस दो। कोई मार्केटिंग ट्रेडिंग फैसिलिटी वधाउण दी गल कीती होवे किसी ने? किसी ने कोई नीति दी गल कीती हो टू इनक्रीज इनकम, टू इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इनक्रीज मार्केटिंग ट्रेडिंग? कोई मैं कोई दस दो। हां, कारपोरेटा दे अगे गुलाम बनाने दी 100 स्कीम आ गई, और मैं फिर ठोक के कह रहा कि 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट प्रकाश सिंह बादल लेके आया सी, हू बहू कापी है, इन दोबारा रिपीट करने की लोड़ तो नहीं, सारा तुम सुन लिया, तुहानू पता ही है। हुण इहदे च एक एक फलाने ने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया, यह तो कोई इशू नहीं है। द इशू इज वैदर यू बॉट इट, असी उन्हें डीनोटिफाई कर रहे हैं, असी उन्हें रद्द कर रहे हैं, तुहाडी नीयत इत्थों साफ साफ पता लगती है। और ये डिटो ना डिटो, बस इन्ना ही है कि जिहड़ी सेंटर की सरकार है उन्होंने कैद नहीं रखी, इन्होंने कैद रखी, इन्होंने उहदे च कैद रखी है किसान दे लई, समझो। बाकी सारा कुछ डिटो है। इहदे च मैं सब तो इंपोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहना, 108 फसलां 108 फसलां नोटिफाई कीतियां अलाउड फॉर सेल, और एक तो MSP नहीं, जिहड़ा बंदा अज कह रहा भी मैं सारियां ते MSP दूं, एक तो MSP नहीं, जिन्हां ते दोहां ते MSP सी भी, जिहड़ियां सरकारी खरीद च चक्कण वालियां ने कणक ते झोना, उहदे च भी प्रोविजन है भी जिहड़ा प्राइवेट ट्रेडर है इहतों घट लऊगा। ये गल करदे आ किसानी दी, हाँ जी, मतलब इट इज, इस तो बड़ा कोई प्रूफ नहीं। तीन थावां ते साइन किए हरसिमरत ने, तीन थावां ते एज मिनिस्टर ऑर्डिनेंसां ते साइन किए, फिर कैबिनेट च साइन किए, तीन थावां ते मुकर दे विखाओ। सुखबीर प्रेस कॉन्फ्रेंसां करता, बड़ा बादल प्रेस कॉन्फ्रेंसां करता, अज कहिंदे किसानी कानून दे असीं उह करांगे, तां ही इहनां दित्ता वैंदी। मंशा की गल करना, अज असीं कहिंदे आ कि तीन ब्लैक लॉ कदे इंप्लीमेंट नहीं होणगे, मैं अंदर भी कहा, लेकिन की पंजाब ने कदे सोचा कि जो असीं खाने हां असीं उगाने हां? कि मैनूं दस दिओ किसे ने पंजाब दे विच राइस ते जिहड़ी डिपेंडेंस है उह तों पासे होण दी गल कीती है? कोई पॉलिसी लिआंदी है? कोई ऐसी फसल दी इनसेंटिव दित्ती है
कि असी राइस तो पासे हो जाइए। मैं कह रहा तुहानू क्योंकि यही पंजाब मॉडल दे विच पॉलिसी है किसानी नू खड़ा करन दी। और इहदे विच कोई किसान वीर मेरे नाल बैठ जाए तो मैं उहदे नाल बैठ के कहूँगा भी जे वह बेहतर कर सकता मैं उहदे मगर तुहानू पर इह करांगे। मैं अगे तुहानू कह रहा सुन लो, why any other crop was not incentivized कि पंजाब दी सरकार नू होर फसल इंसेंटिव नहीं देन दी लोड़। अगी डाइवर्सिफिकेशन, देखो सर दाला होन ऑयल सीड्स होन, अज दी गल नहीं करता मैं, करोड़ां रुपए दे इंपोर्ट कर दे हो करोड़ां दे, जे वो करोड़ भी अड रख लो तां भी तुसी एक जोन बना सकते हो जिथे तुसी दाला उगा सकते हो। वो साढ़े अधिकार खोंदे है और एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है मेरी, वो साढ़े अधिकार खोंदे और साढ़े अधिकार खो के वो कानून बनाउंदे है। वो साढ़े अधिकार ने असी खेती के कानून बनाए, दसो कि कानून बनाया पंजाब ने अज तक, चलो दसो कि पंजाब ने खेती नू चुकन वास्ते पिछले 25 सालों के कानून बनाया भाई। नेम वन, नेम वन, फिर क्या खेती चक दे। 13,000 करोड़ बजट है पंजाब का, सर 13,000 करोड़ रुपया बजट है, बड़ा वड्डा लगता है, बड़ा जबरदस्त बजट है। 7,000 करोड़ उहदे च बिजली की सबसिडी है, 4,450 करोड़ तनखाह ने, कितना हो गया 11.5, ते बाकी उक्के पुक्के ऑफिसां दे खर्चे पा के बचता की है 1,500 करोड़। की पंजाब बॉर्डर एरिए दे लई अगे 10 पैसे पाउंदा हुंदा सी, 90-10 स्कीम सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी, ते कर्जे लैके कर्जा सरकार चलदी है, कर्जा लिया ते कर्जे नाल मोड़ता, फिर कर्जा लिया कर्जे नाल मोड़ता, कर्जा लैके ट्यूबवैल लाया पानी कढ़िया कर्जा चढ़ाया पानी भी गया। एक किलो झोना लाने लई, और असी PDS लई दिंदे आ सानू वरतिया फिर सिटिया, 1 किलो झोना लाने लई 5,000 लीटर पानी चाहिए। सोच लो जदों झोना ला के बाहर भेज दियो किन्नियां SYL बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें कहने SYL च पानी नहीं जान देना, किन्नियां SYL बाहर चली जाएंगे साहब तुसीं सोचो। इस करके मैं गल्लां कर रहा कि यह रोड मैप चाहिए। APMC मंडी की गल करते साहब, APMC मंडी की कहते मोनोपली है, असी उत्थे प्राइवेट ट्रेडर खड़ा करना चाहते हैं और प्राइवेट ट्रेडर खड़ा करके असी चाहते हैं भी किसान नू विकल्प मिले। मैं पूछना इन्हों और मतलब छाती ठोक के पूछना कि भाई जदों आड़तिया APMC की मंडी च जाता है वह रजिस्टर्ड है और बैंक गरंटी लेके जाता, बैंक गरंटी, और वह बैंक गरंटी होंदी है भी जे कोई डिफॉल्ट हुंदा तो स्टेट की सरकार उन्हें पैसे देगी, तो जदों कोई पैन कार्ड लैके जाता इन्हों का बंदा जिन्हों आन तो दिता नहीं असी पर जे जाता तो कि बैंक गरंटी है वो को, जे किसान डिफॉल्ट करता कितों दू, लुट चल रही है जिथे जिथे इन्होंने यूरोप का फेल्ड सिस्टम साडे देश च थोपिया, किसान लेबरर बन गया, लेबर करता किसान उत्थे बिहार, देख लो जाके बिहार के होर, मैं ना नहीं लैना चाहता स्टेटा के, दिस इज वॉट इज हैपनिंग। सर APMC की मंडी मोनोपली नहीं है, ये डेमोक्रेटिक अदायरा है, कोई इलेक्शन होया इलेक्शन होना चाहिए, मार्केट कमेटियां कोई इलेक्शन होया इलेक्शन होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक अदारा है। हुण तो सरपंच भी नॉमिनेट होने लग गए, ये मंडियां सानू 5,000 करोड़ रुपया दिंदियां ने, कदों हुई इलेक्शन। जो मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की गल करदा, मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग जमीन की कोऑपरेटिव नहीं गल करदा, मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग वो गल करदा कि जदों किसान अपनी फसल वेचण जावे उदों कोऑपरेटिव बनावे, तो जदों उदों कोऑपरेटिव बनावे अमूल, देखो अमूल दे नाल तुसीं अज वेरका देखो, छोटा या वड्डा कोई भी प्रोड्यूसर है उन्हूं एक रेट मिलता है, सारे किसान कट्ठे होके
सारे किसान कट्ठे होके अगर वो कोऑपरेटिव का अदारा बना लैन ते वो अपने रेट आप फिक्स कर सकते हैं साहब, वो अपने रेट आप फिक्स कर सकते हैं। इंपोर्टेंट गल कर रहे हैं, अज मटर लेके जाता किसान वो 4 रुपये किलो विकदा है ते शाम नू 25 रुपये परचून की दुकान पर विकदा है, ते जे उन्हें मटर स्टोरेज वाला वापस लेना 4 महीने नू उनू ओही मटर 50 रुपये देंगे। टमाटर देख लो, दुनिया दे विच कोई ऐसा अदायरा जिथे बंदा अपनी जड़ा चीज वेच रहा है उहदी प्राइस फिक्स ना करे। तां मैं कहना कि भाई कोऑपरेटिव बना दिओ, तां मैं कहना कोल्ड स्टोरेज बना दिओ 5-5 पिंडां दे, तां मैं कहना जे किसानी चुकनी है होर तरीका कोई नहीं, या मैनू समझा दिओ भी इदों बेहतर कोई तरीका है। गालां कढ लिया, उच्ची बोल लिया, हुल्लड़ मचा लिया, कोई सोल्यूशन दसदा है? कोई रोडमैप दिंदा है? कोई यह कहना भी इदा किसानी ठीक आउंदी है? जड़ा दिता भी सी हक कमेटी उदा दी उदा धूड़ पई है, वो सैंड माइनिंग उदा दी उदा पई है, केबल दे उत्ते कानून उदा दा उदा पिया, एल आर दे धक्के खांदा, सारे निकलणगे। घट तो घट 20 तो 25 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब साल का कमाऊ, लिख लो 10 हज़ार करोड़ तो L1 के लसेंसा तो आऊ, तो मिनिमम 10 तुम वैट ला के जे सरकारी डिसलियां करती जो 35 कमाते तो तुम 10 तो कमाओगे 15 तो कमाओगे आऊ। ये ठेकेदारी ने मारिया पंजाब, ठेकेदारी जिथे जिथे ठेकेदारी है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना, तेलंगाना पहले साल ठेकेदारी दे विच रेता कमाउंदा है 10 करोड़ रुपया, अगले साल ठेकेदारी सिस्टम अबोलिश करता है 400 करोड़, उदू अगले 800 करोड़, उदू अगले साल 1200 करोड़, अज एक हफ्ते 50 करोड़। देश यही इंचार्ज सी लंबू, ये अकाली दल वाले ने 40 करोड़ रुपया एक साल का जमा कराया 10 साल लगातार 10 साल। उत्थे एक दरिया 300 किलोमीटर, वो कमाते 50 करोड़ एक हफ्ते, इन्होंने जमा कराया 40 करोड़ एक साल, तो साढ़े को 1300 किलोमीटर दरिया 170 साल। अज साड़ी सरकार ने रेट फिक्स किए रेते दे, जे रेट फिक्स किए होंगे रेता 1200 ट्राली मिलता, 1200 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये, गरीब घर बना, इकोनमी खड़ी होंगी। होर सुनो, जिन्ने सरकारी अदारे दियां सड़कां बन दियां, बिल्डिंगां बन दियां, उत्थे इंस्ट्रक्शन है भी तुसीं सरकारी खड्ड तो रेता लओगे, कोई पर्ची नहीं अज तक। एक ट्रक इंपाउंड नहीं होया 2015 ने नोटिफिकेशन की भी जिस ट्रक के रेता गलत फिरे उन्हें इंपाउंड कराओ, 25 हज़ार के रेते पिछे कोई इंपाउंड कराओ, एक ट्रक इंपाउंड नहीं होया, की दिखाता है? मैं अगे चल रहा सर, विदाउट रिसोर्सिस, चाहे वह कैप्टन साहब का घर घर रोजगार सी, चाहे वह केजरीवाल साहब की 26 लाख नौकरी सी, नहीं होनी। मैं पूछदा तुम 26 लाख की गल कर दे, 1 लाख असामी पंजाब खाली पई, चलो थोनू पता ना 1 लाख असामी पंजाब खाली पई है साहब, क्यों नहीं भरी? फिर सब तो सौखा तरीका है इलेक्शन जितने का, एक बंदे नूं नौकरी मिलती है, 5 बंदे एक परिवार दे ने, अगे 50 नूं दसदे क्यों नहीं भरती? 2000 करोड़ जे होवे एक टीचर धरने धरना नहीं देगा, भाई तो पूछ लो तो कहना 1000 ही नहीं मुकता, एक सड़क ते नहीं आएगा यार। नो सरप्लस फंड्स, यू आर हेडेड द रोंग वे। ते मैं ते चन्नी बाई, चाहे इको सिस्टम की गल करो चाहे होर गल करो, ये रोडमैप तैयार होएगा साहब, तुसी इंडस्ट्री की गल करते हो, तुसी इको सिस्टम की गल करते हो, तुसी कहने हो इन्वेस्टर आवे, तुसी कहने हो इन्वेस्ट करे, और मैं कहना सवाल बदलो,
इस सवाल बदल दो और कहो कि जेडे पंजाब बंदे पंजाब नू छड़ के बाहर इंडस्ट्रियां लाउंदे है पावा प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन ही हो बाहर इंडस्ट्रियां लाउंदे उन्हूं पुछो बाहर गया क्यों तू यही पुछ लो थोनू दसू भी क्यों गया मैं बाहर तो हल निकलू आ गया जी इनवेस्टर कर दो फलाना हो गई जी ओए हो गए डोके नहीं आते देख लो उन्हां दी इनवेस्टमेंट देख लो बादलों की देख लो किसी विश्वास ही है नहीं दसो ना मैनू मैं जो कह रहा झूठ है पुछो उस इंडस्ट्रियलिस्ट नूं जिहड़ा पंजाब छड के चलिया गया पुछो कि पंजाब इंडस्ट्री च नंबर वन तो अज 26 नंबर 18 नंबर 26 नंबर क्यों चला गया तो हिमाचल वर्गे सूबे हरियाणा वर्गे सूबे तां क्यों चढ़ गए 7 नंबर ते ये मुद्दे ने साहब मैनुफैक्चरिंग सैक्टर के सर्विस सैक्टर के अडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के इन मुद्दों वाल कौन जा झाकदा है बाहर जा रहे है नौजवान अपॉर्चुनिटी है नहीं साहब तो जो अपॉर्चुनिटी है नहीं तो की करूँ कोई तो मैनू दस दियो यार सरदार मनमोहन सिंह ने किदां खड़ा किया साडा स्टेट इंडिया किदां खड़ा किया जिथे जिथे जड़ी स्पैशलिटी सी जिहदा बेस सी उन्हूं खड़ा करता उन्हें हरियाणे उत्थे लुधियाने हौजरी सी उन्हें हौजरी खड़ी करती निटिंग सी उत्थे खड़े कर अमृतसर लूम सी डूम खड़े हो गए उत्थे ही उस बेस नूं जलंधर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री सी वो चलती सी थाड़ करती तुसीं दसो किथे है कि इंडस्ट्री इनवेस्टमेंट कैपिटल इनवेस्टमेंट फार्मर दे लई किथे है यह मुद्दे ने साहब यही है हुण कॉस्ट है कॉस्ट नूं किदां पूरा करोंगे जब तक थोड़े को फंड नहीं मैं कह देना जी मैं थोनू मतलब 1 रुपये दूं 800 यूनिट सारे पंजाब नूं फ्री कर दूं गल्लां नाल होऊ सोर्सेज नाल होऊ साहब जे रिक्वायरमेंट देखिए ईटीटी टीचरां दी डॉक्टरां दी एनपीएस दी 1,00,000 जॉब दी 25,000 करोड़ तो उत्ते बना 15,000 करोड़ मिनिमम है कितने 19,000 आता कितने 15,000 पेंशनर नाल डॉक्टरां दा पेइंग अलाउंस तां ही ते हाय हाय होंदी फिरदी है ये कैश ट्रैप ते हुण मैं आना बिजली ते वाइट पेपर रिलीज नहीं हुआ हाँ जी चलो फिर मैं ये जड़ी बिजली वाला मुद्दा है इनू हाँ बिल्कुल ले लेता हूँ सर बिल्कुल बिल्कुल ले लेता हूँ क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यहाँ आने का एक्चुअली व्हाइट पेपर और बिजली भी साथ में था पर चलो वो दे दा नॉर्म देखिए साहब हम लोग डिबेट हो सकती है डिसेंट हो सकती है आप डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन यार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं लोगों की कितनी आस है अब तो तुमने मांगा भाई भगवंत ने कहा यहां आम आदमी पार्टी वालों ने कहा इन्होंने कहा कि सेशन बुलाओ हमने बुला लिया यार फिर अगर सेशन बुलाया यार तुसी किसानी ते गल करो ना इन गलों नाल किद्दां पंजाब दा मसला कोई हल हुंदा यार मतलब एक दूजे नाल तू तू मैं और हाउस रोकता ओ हो यार लोग देख रहे हैं मैंने तो चंगा लगता है लोग देख रहे हैं मैं ऐसे करके कहना
कि चार दिन जदों पईआं ना ठोक के लोगों तो पंजाब दे तो भी तुसीं करदे की हो पब्लिक मनी नूं वेस्ट किदां करदे हो ते आपे बंदे दे पुत बन जाणगे। लाइव होना चाहिए जे लोक सभा लाइव हुंदी है। देखो मैं तो उस दिन भी कहा सी भी भाई की लुको रहे हैं सी भाई पंजाब दे लोगों तो असी की लुको रहे हैं चुने नुमाइंदे हाँ उत्थे दा ते साहब मैं केजरीवाल साहब नूं कहा कि तुसी नोटिफाई किया कि नहीं इन्हां चो जिहड़ी प्राइवेट मंडी है फिर तुसी बिल फाड़ते अज मैं हाउस च गया फिर तुसी बिल फाड़ते सवाल इन्ना ही है भी तुसी डी नोटिफाई किया कि नहीं ये गल नूं समझ लो जड़ा ओ हैगा उहदे च तुसी एम एस पी की गल कित्थे दिखा दो मैनू वो सब्जियां वास्ते है ते दूसरियां उहनां वास्ते है दिखा दिओ मैनू भी उहदे च कणक ते झोने की कोई ओह होवे। मैं कहना बिल्कुल बिल्कुल देखो तू नहीं अज सारा कुछ चकता मैं छोटे भाई उसे दी गल कर रहा तुम उन्होंने ध्यान ना पढ़ो तुम्हें पता लग जूगा वो कोई एम एस पी की कोई वो नहीं है रुकावट नहीं है जी कणक झोने की कोई वो नहीं कि मुख्यमंत्री साहब इस करके बोले कि मुख्यमंत्री साहब न अज मैं कह रहा मुख्यमंत्री किसान का दर्द है तो जे किसान का दर्द है वह चाहता भी डिबेट हो ते तुसी डिबेट नूं जदों तुसी एह जे लेवल ते ले जाने हो ते फिर मैनू तुसी दसो कि कोई भाई बीएसएफ ते मैं यार उस दिन 20 मिंट बोलिया हुण दुबारा कराउणा I have told you देखो मैं तुहानूं की कहा जिथे अज मैं कहना सी उथे मैं जो कोई चंगा करदा मैं उहदी तारीफ करदा दे अज मैं क्या कि नहीं कहा थैंक यू चलो हुण टाइम हो गया नहीं मैं कहा कि तुसी कहने हो कि यार नहीं मैं उन्होंने कहा मैं कहा जदों वाटर टर्मिनेशन होया सी दसो ते जदों सीएए आया सीएए एनआरसी जिहड़ा सीगा जदों ओ आया ते आसाम खड़ा हो गया दिल्ली खड़ा सारे खड़े हो गए कि नहीं कर देंगे असी वो जुरिस्टिक्शन च सी सवाल जरूरत है सवाल मोटिव है सवाल इंटेंट है।